हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, और इसमें हम सेल्फ असेसमेंट सीरीज़ को आज देखने वाले हैं, जिसमें होगा कुल 20 प्रश्न और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 41 को। और इसका पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पिछले बजट 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% अथवा ऑप्शन डी 21%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15%। अगर 2022-23 की बजट की बात करें तो दोस्तों यह बजट कुल 101,101 करोड़ का था, और वर्तमान में जो 2023-24 का जो बजट है वह 116,418 करोड़ का है। इस तरह 15% की बढ़ोतरी हुई है 2022-23 की तुलना में 2023-24 में, और यह बढ़त 15% है। और यह बजट आपको बता दें कि रामेश्वर उरांव के द्वारा, यानी डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा, जो वित्त मंत्री हैं झारखंड के, उनके द्वारा पेश की गई थी। और चौथे बार रामेश्वर उरांव को मौका मिला था वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगातार बजट पेश करने का, और यह बजट 3 मार्च 2023 को झारखंड विधानसभा में पेश किया गया था। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और आज का दूसरा प्रश्न है, मूल रूप से झारखंड के निवासी अरुण कुमार सिन्हा, जिनका निधन गुरुग्राम के एक अस्पताल में हो गया, वे किस पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन ए डायरेक्टर बीएसएफ, ऑप्शन बी डायरेक्टर आईटीबीपी, ऑप्शन सी डायरेक्टर सेल अथवा ऑप्शन डी डायरेक्टर एसपीजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डायरेक्टर थे एसपीजी के, और प्रधानमंत्री के सुरक्षा में वो तैनात थे लंबे समय से। और मूल रूप से तो वह झारखंड के हजारीबाग के थे, परंतु केरल कैडर के आईपीएस रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक और शायर हिमकर श्याम को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भाषा सम्मान 2023, ऑप्शन बी इफको सम्मान 2023, ऑप्शन सी साहित्य शिखर सम्मान 2023 अथवा ऑप्शन डी शताब्दी सम्मान 2023। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है हिमकर श्याम को, और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें साहित्य शिखर सम्मान 2023 दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, इन दिनों झारखंड के स्वासपुर गांव और खूंचीडीह गांव क्यों चर्चा में है? ऑप्शन ए दोनों गाँव 100% निरक्षर हो गया है, ऑप्शन बी दोनों गाँव के 100% टीवी मुक्त हो गया है, दोनों गांव 100% साक्षर हो गया है अथवा ऑप्शन डी दोनों गांव के 100% एनीमिया मुक्त हो गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों गांव 100% साक्षर हो गया है। आपको बता दें कि XLRI का इसमें बड़ा सहयोग रहा है, और XLRI के देखरेख में ही इन दोनों गांवों को पूरी तरह से, यानी 100% साक्षर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए बरकत अली, ऑप्शन बी सोगरा बीबी, ऑप्शन सी हफीजुल हसन अंसारी अथवा ऑप्शन डी हिदायतुल्ला खान। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है हिदायतुल्ला खान को, अतः ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है, झारखंड के किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, ऑप्शन बी मुकुंद नायक, ऑप्शन सी महावीर नायक अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है महावीर नायक, महावीर नायक को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि लोक शैली के संगीत के लिए महावीर नायक को सम्मानित किया गया है, और महावीर नायक ठेठ नागपुरी गायक हैं, और नागपुरी गायक के साथ साथ ही वह एक प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस देश के लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थायी समाधान नामक शीर्षक पर की गई रिसर्च के लिए XLRI जमशेदपुर के 2 प्रोफेसर्स को US अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जाम्बिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी मिस्र अथवा ऑप्शन डी जिम्बाब्वे।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाम्बिया के लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थायी समाधान नामक XLRI के दो प्रोफेसर द्वारा रिसर्च किया गया था, जिसके लिए US अवार्ड से सम्मानित किया गया है XLRI के दो प्रोफेसर्स को। प्रश्न नंबर 8 है, झारखंड के किस MSME को राज्य का एकमात्र जेड गोल्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। ऑप्शन ए उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी जीवाशिया इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी आधुनिक स्टील अथवा ऑप्शन डी ऑल द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवाशिया इंडस्ट्रीज, जो कि गमरिया में स्थित है, सरायकेला खरसवां जिले में है। इसे जेड गोल्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है और इस सर्टिफिकेट को हासिल करने वाले जो MSME हैं उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी ISFR 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण यानी फॉरेस्ट एरिया है। ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम अथवा ऑप्शन डी सरायकेला खरसवां। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम में। ISFR की जो रिपोर्ट 2021 में आई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है और यह फॉरेस्ट एरिया लगभग 3368 स्क्वायर किलोमीटर का है। और वहीं सबसे कम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है जामताड़ा में और यहाँ पे लगभग 106 स्क्वायर किलोमीटर का वनावरण है। वहीं आपको बता दें कि 2019 से 21 के दौरान लगभग 110 स्क्वायर किलोमीटर के वन क्षेत्र में झारखंड में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई थी। और अगर कुल वन क्षेत्र का बात करें झारखंड का, तो झारखंड का जो एरिया है उसका 29.76% पर वन क्षेत्र है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को और आज का 10वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए विनोद सिंह, ऑप्शन बी बसंत सोरेन, ऑप्शन सी डॉक्टर लंबोदर महतो अथवा ऑप्शन डी भानु प्रताप शाही। दोस्तों महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार झारखंड के गोमिया के विधायक जो कि बोकारो जिले में आता है डॉक्टर लंबोदर महतो हैं। आपको बता दें कि इन्हें 100% उपस्थिति यानी विधानसभा में 100% उपस्थिति और राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान डॉक्टर लंबोदर महतो को दिल्ली में भारतीय संसद के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के द्वारा प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सूरीनाम अथवा ऑप्शन डी वियतनाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की ऐसी पहली व्यक्ति या नागरिक बन गई हैं जिन्हें सूरीनाम का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है सूरीनाम। सूरीनाम के द्वारा ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। झारखंड आंदोलन के किस प्रणेता की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। ऑप्शन ए सुधीर महतो, ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन सी सुनील महतो अथवा ऑप्शन डी जयपाल सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो। आपको बता दें कि विनोद बिहारी महतो के नाम पर धनबाद में एक यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है और यह JMM के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा लंबे समय तक राजनीति से जुड़े रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन से जुड़े रहने वाले ये प्रमुख नेताओं में हैं विनोद बिहारी महतो और इनके नाम पर झारखंड में कई कॉलेजेस भी स्थापित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 13 है, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा अध्येता कोष निर्माण योजना के तहत झारखंड के किस भाषा का अध्येता कोष तैयार किया गया है। ऑप्शन ए कुरमाली, ऑप्शन बी पंच परगनिया, ऑप्शन सी संथाली अथवा ऑप्शन डी नागपुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संथाली। आपको बता दें कि अध्येता कोष निर्माण योजना के तहत जो लोकल लैंग्वेजेज है झारखंड का उसे
लोगों तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए या उस भाषा को सिखाने के लिए हिंदी और इंग्लिश जानने वाले लोगों को ट्रांसलेट कर संथाली भाषा सिखाया जा रहा है, यानी ऐसा कोर्स तैयार किया जा रहा है इसके माध्यम से जिसके द्वारा संथाली आसानी से हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले लोग सीख सकते हैं। और ऐसे 50 से अधिक लोकल लैंग्वेजेस का कोर्स तैयार किया जा चुका है भारत में, और झारखंड का एकमात्र जो भाषा है संथाली, जिसका अध्येता कोर्स तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर 14 है, झारखंड के किस नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर, ऑप्शन बी दामोदर नदी धनबाद, ऑप्शन सी मयूराक्षी नदी दुमका, अथवा ऑप्शन डी खरकई नदी आदित्यपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मयूराक्षी नदी, जो कि दुमका में स्थित है। यहाँ पे झारखंड का सबसे लंबा पुल अब बनकर तैयार हो गया है। झारखंड को मिली पहली विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चला करेगी? ऑप्शन ए रांची न्यू गिरिडीह, ऑप्शन बी रांची पटना, ऑप्शन सी रांची टाटानगर, अथवा ऑप्शन डी रांची धनबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची और न्यू गिरिडीह के लिए विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 16 है, झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? ऑप्शन ए नीलिमा करकट्टा, ऑप्शन बी के कवि कुमार, ऑप्शन सी राजीव रंजन, अथवा ऑप्शन डी नीरज सिन्हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी के रवि कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पद पर हैं, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुधीर त्रिपाठी, ऑप्शन बी नीरज सिन्हा, ऑप्शन सी राजीव गौबा, अथवा ऑप्शन डी रणेंद्र कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीरज सिन्हा, जो कि IPS रहे हैं, 2 साल तक DGP भी रहे हैं झारखंड के। उन्हें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और उन्हें सुधीर त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है JSSC का नया चेयरमैन। प्रश्न नंबर 18 है, झारखंड का वह एक गांव जहां पूरे देश में होने वाले साइबर क्राइम का 2.3% मामला अकेले इसी गांव में अंजाम दिए जाते हैं। ऑप्शन ए देवड़ी, ऑप्शन बी चिमटी घाटी, ऑप्शन सी कर्माटांड, अथवा ऑप्शन डी चमडू गांव। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कर्माटांड। आपको बता दें कि यह कर्माटांड जामताड़ा जिले में है, और देश के 10 जिले जहां सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम अभी वर्तमान में जो है वो दर्ज किया गया है या देखा गया है, उसमें झारखंड के 4 जिले हैं, जिसमें सबसे आगे देवघर है, फिर आता है नंबर जामताड़ा का, गिरिडीह और बोकारो। प्रश्न नंबर 19 है, झारखंड पुलिस द्वारा राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन संचालित है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी झार पुलिस, अथवा ऑप्शन डी झार कॉप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शक्ति नाम से झारखंड पुलिस के द्वारा महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक ऐप तैयार किया गया है, और इस ऐप का नाम है शक्ति ऐप। प्रश्न नंबर 20 है और यह अंतिम प्रश्न है आज का, झारखंड के बच्चों और महिलाओं को तस्करी यानी ट्रैफिकिंग, बाल श्रम, बाल विवाह और शोषण से बचाने के लिए 100 दिनों का विशेष अभियान किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए झालसा यानी झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऑप्शन बी JEPC झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, ऑप्शन सी विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, अथवा ऑप्शन डी TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए झालसा के द्वारा झारखंड में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों और महिलाओं को तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, शोषण से बचाया जा सके। यह था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।